नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है टी न्यूज में। मैं हूं काजल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पत्नी को जिंदा जलाकर मार दिया। जी हाँ, यह सारा मामला सीतापुर का है। सीतापुर के थाना क्षेत्र पिसावा के ग्राम सतनापुर का, जहां पत्नी को जिंदा जलाकर उसके पति ने मार दिया। विवाहिता के पति ने दामाद सहित जेठ और ससुर पर मिट्टी का तेल डालकर विवाहिता को जलाने का आरोप लगाया है। विवाहिता के पिता का कहना है कि शराब के नशे में पति अक्सर उसको मारा करता था और जान से मारने की धमकी देता था। बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात में सुनील हत्याकांड का खुलासा। जी हम आपको बता दें कि बुलंदशहर देहात में चर्चित सुनील हत्याकांड का पुलिस ने कर लिया है खुलासा। सुनील की हत्या में आरोपी संदीप पुत्र नेत्रपाल और प्रीतम उर्फ पप्पी पुत्र नेत्रपाल निवासी ग्राम विरोड़ी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये सारा मामला अवैध संबंधों का बताया जा रहा है। प्रेम प्रपंच के चलते हुई मृतक सुनील की हत्या। जी हाँ, मृतक सुनील के प्रीतम की पत्नी से अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से प्रीतम ने सुनील की गला दबाकर 27 नवंबर 2018 को हत्या कर दी थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सुनील की हत्या में प्रयुक्त अंगोछा व मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। दिनांक 28 नवंबर को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक सुनील नाम के युवक की डेड बॉडी मिली थी। उस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत उनके घर वालों ने कराया था कि 3 नामजद व्यक्तियों ने उसकी गला दबा करके हत्या कर दी है, मोटरसाइकिल गायब कर दी और डेड बॉडी ले जा करके डाल दी है। ये शुरू से ही जो नामजदगी थी वो गलत प्रतीत हो रही थी। इसमें ASP जो सीओजटी हैं उन्होंने और इंस्पेक्टर कोतवाली देहात की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए आज इस समस्त घटना का अनावरण किया है। और अनावरण में ये प्रकाश में आया कि जो 3 व्यक्ति नामजद किए गए थे वो गलत नामजदगी थी और 2 अन्य व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया। और विस्तृत पूछताछ से ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो ये 2 व्यक्ति हैं उनमें से एक का मृतक के साथ इन अभियुक्त की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, उसको लेकर के ये हत्या कारित की गई और डेड बॉडी को छिपा दिया गया था। इसमें इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, बरामदगी वगैरह भी हुई है इसमें। और इन लोगों ने इस घटना को स्वीकार किया कि अंगोछे से गला दबा करके इनकी हत्या कर दी है। दूसरा जो हत्या आरोपी आप बता रहे हैं उसका क्या स्वार्थ रहा, दोस्ती में वो उसके साथ लगा है? जी, इसी कारण से ये साथ में लग करके और इतने हत्या कर दिया। आज के दौर में व्यापारी एकता की सख्त जरूरत है। व्यापारी इस देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक है। यह बात नगर पालिका मैरिज हॉल विश्वा में उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे पूर्व सांसद व उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल ने कहा। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करने में जाति बिरादरी न करने का संकल्प लिया जाता है और व्यापारियों की सभी समस्याओं का समाधान कराना ही व्यापार मंडल का प्रथम दायित्व है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आए विश्वा विधायक महेंद्र सिंह यादव ने सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी व्यापारी को यदि किसी भी तरह की समस्या होती है तो वह हमें अवगत कराए, उसकी हर समस्या का समाधान होगा। मंच पर उपस्थित विशेष आमंत्रित उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम जी अग्रवाल ने आए हुए सभी व्यापारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा, अपनी व्यापारिक एकता को इसी तरह निरंतर बनाए रखें। और उन्होंने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई भी दी। कार्यक्रम के दौरान बनवारी लाल कंचल के द्वारा नव निर्वाचित व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास अग्रवाल, कोषाध्यक्ष दिलीप श्याम, महामंत्री अनिल रस्तोगी सहित सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई एवं उनके हक को बखूबी समझाया गया। कार्यक्रम के अंत में विश्वा विधायक महेंद्र सिंह यादव को स्मृति चिन्ह देकर उपस्थित पत्रकार बंधुओं को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष मुन्ना जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख राकेश वर्मा, प्रदीप आर्य, जिला अध्यक्ष वंदना रस्तोगी, मुकुट बिहारी वाजपेयी, विकास अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, गौरव श्रीवास्तव आदि
काफी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित रहे। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व रोजगार सेवक पर ग्रामीणों ने लगाया भ्रष्ट होने का आरोप। जी हां, पीलीभीत के विकासखंड पूरनपुर के ग्राम देव ग्रामीणों द्वारा ग्राम प्रधान व रोजगार सेवक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा न तो सड़क का निर्माण कराया गया और न ही नालियों का, जिसके चलते ग्राम में जल भराव रहता है और न ही पात्र लोगों को आवास और शौचालय उपलब्ध कराए गए। जिनके शौचालय पूर्व में बन चुके हैं उन्हीं को दोबारा ड्रेन पेंट करवाकर रकम निकालकर सरकारी धन को हड़प कर लिया गया। ग्रामीणों ने इसकी पूर्व में जिलाधिकारी महोदय व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की थी, लेकिन जांच अधिकारी खानापूर्ति के नाम पर चले जाते हैं। आवास और शौचालय के नाम पे 25,000 रुपये जो देगा उसका आवास आएगा और 2,000 रुपये शौचालय के लिए जो देगा उसका शौचालय बनेगा। ग्राम प्रधान, पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक ने लाखों का गबन किया है और वहीं गांव के पानी के निकास के लिए एक नाले का निर्माण किया जा रहा है जो कि मानक के अनुरूप नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि खंड विकास अधिकारी पूरनपुर से शिकायत की गई है, लेकिन खंड विकास अधिकारी सतीश कुमार पांडे से जब फोन पर जानकारी ली तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई भी शिकायत पत्र नहीं आया, यदि आएगा तो जाँच करवाएंगे। इसके अलावा हमारी टीम को उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधान के नाम पर 25,000 और शौचालय के नाम पर 2,000 वसूले जा रहे हैं। नाम है आपका? नाम गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जी, ये बताइए आपको आपके गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत समस्या है। एक तो लैट्रीन की व्यवस्था जो है सब गोलमाल कर गए प्रधान लोग, 2,500 रुपया 2,000 रुपया हर लैट्रीन दिया गया है। कमरा में 40,000 रुपये की मांग है प्रधान द्वारा। जो नाली बन रही है, नाली में मतलब जो मसाला है वो बहुत रद्दी है, करीब 12-1 मसाला है, और जो नीचे ईंट बिछाई गई वो पीला है, जो पहले निर्माण हुआ उसमें भी पीला है। बाद में कुछ कार्रवाई करी गई तो कुछ सुधार आया है उसमें, और पहले से ही इसमें और मसाला जो है 1-12 लगाया जा रहा है और कई दिन से निर्माण बंद है, पता ना क्या बात रही इसमें। अच्छा, इसमें किसके द्वारा कार्रवाई की गई है जो दोबारा काम रुक के सही होने लगा? जो हमने रिपोर्ट दी SDM साहब के लिए, तहसीलदार साहब के लिए, और मीडिया में भी निकला इसको, और उसके बाद SDM साहब तहसीलदार साहब आए तो कुछ कार्रवाई में सुधार हुआ, उन्होंने आदेश किए। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश पांडे। वेद प्रकाश जी, ये बताइए आपके गाँव में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हमारे यहाँ शौचालय की कमी है, आवास नहीं बने हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा मिशन अभियान स्वच्छ भारत का चलाया जा रहा है जो धरातल पर कहीं भी नहीं दिख रहा है, और प्रधान तथा रोजगार सेवक शौचालय के नाम पर पैसे मांगते हैं लोगों से, उसमें सचिव की भी संलिप्तता रहती है, और नाली सड़क निर्माण का काम तो बिल्कुल ठप पड़ा है, हुआ ही नहीं है, जगह जगह पानी भी भरा हुआ है रास्तों में। आप लोगों ने इसकी कहीं शिकायत की है? हाँ, शिकायत जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, BDO से कर चुके हैं। अब तक कुछ हुआ है? अब तक कुछ नहीं हुआ, केवल नाला निर्माण हो रहा है, वो भी पीला ईंट से। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस की गिरफ्त में सयाना हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज आया। बीती रात पुलिस की गिरफ्त में आया योगेश राज। योगेश राज बजरंग दल का जिला संयोजक है। आरोपी योगेश राज घटना के दिन से ही भूमिगत था। बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी बजरंग दल का जिला संयोजक योगेश राज गिरफ्तार। जी आपको बता दें, सयाना हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज को पुलिस ने खुर्जा टी पॉइंट से गिरफ्तार कर लिया है। योगेश राज बजरंग दल का है, इसी की अगुवाई में सियामा के चिगरावटी में भीड़ जमा हुई थी और बलवा हुआ था। पुलिस को योगेश राज की काफी लंबे समय से तलाश थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर खुर्जा टी पॉइंट के पास से हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को कर लिया गिरफ्तार। योगेश राज से पुलिस पूछताछ करने में लगी। पुलिस को योगेश ने कई अहम बातें भी बताई। बता दें, 3 दिसंबर को सयाना के चिंगरावटी में हुई थी हिंसा। हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या, इसी हिंसा के बलवे में शामिल सुमित की भी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में 27 नामजद व 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अब तक 32 लोगों को भेज चुकी जेल। SP सिटी अतुल श्रीवास्तव का कहना है, योगेश राज की खुर्जा टी पॉइंट से कर ली गई है गिरफ्तारी। योगेश राज पर भीड़ को भड़काने का है आरोप।
योगेश राज पर भीड़ को भड़काने का आरोपी है। गौकशी की सूचना पर सबसे पहले अपने साथियों के साथ योगेश ही घटनास्थल पर पहुंचा था। खेत से सड़क पर योगेश ही गौ अवशेष को लाया था और इसके बाद हिंसा को भड़काया था।